जी आज हम यूनिट ऑपरेशंस सब्जेक्ट का लेक्चर नंबर 8 देखेंगे। हेयर आर द कंटेंट्स ऑफ दिस लेक्चर। दिस लेक्चर इज द कंटिन्यूएशन ऑफ लेक्चर नंबर 7, जिसमें हमने ड्राइंग के यूनिट ऑपरेशन के बारे में बात की थी। आज हम ड्रायर्स की क्लासिफिकेशन देखेंगे। ड्रायर्स वो इक्विपमेंट हैं जिनमें ड्राइंग का यूनिट ऑपरेशन हो रहा होता है। एंड जस्ट टू रिफ्रेश योर प्रीवियस कॉन्सेप्ट, प्रीवियस नॉलेज, ड्राइंग इज अ प्रोसेस इन विच वी रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम आवर सॉलिड मटेरियल या प्रोडक्ट। एंड दैट मटेरियल इज इन फॉर्म, दैट मॉइस्चर इज इन फॉर्म ऑफ वाटर इन मेजॉरिटी केसेस, एंड इन सम केसेस दैट मॉइस्चर इज इन फॉर्म ऑफ एनी सॉल्यूट, वोलाटाइल मटेरियल की फॉर्म में भी हो सकता है। ड्राइंग सिंपली एक प्रोसेस है रिमूवल ऑफ मॉइस्चर का, और ये यूनिट ऑपरेशन ड्राइंग का जिन इक्विपमेंट्स में होता है उन इक्विपमेंट्स को हम ड्रायर्स कहते हैं। आज हम ड्रायर्स की क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप कंटेंट्स में देख सकते हैं, सबसे पहले हम रोटरी ड्रम ड्रायर्स की बात करेंगे, उसके बाद हम फ्लैश ड्रायर्स की बात करेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट फ्लूडाइज्ड बेड ड्रायर्स, आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट स्प्रे ड्रायर, एंड इन लास्ट बट नॉट लीस्ट वी विल टॉक अबाउट ट्रे ड्रायर्स। अच्छा, आपको अगर याद हो तो लेक्चर नंबर 7 के एंड पे मैंने दो आपको तीन टेबल्स दिखाए थे जिसमें ड्रायर की टाइप और उसकी खास एप्लीकेशन के हिसाब से उसकी डिटेल्स बताई गई थी कि कौन सी टाइप ड्रायर की कौन सी एप्लीकेशन के लिए सूटेबल होती है। अगर आपको याद हो तो उसमें बहुत सारे ड्रायर और भी दिए गए थे, मैंने जस्ट कुछ उनमें से सिलेक्ट किए हैं जो कि ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं और जो हमारे पॉलीमर के फील्ड के हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट हैं ड्रायर्स, इसमें जैसे फ्लूडाइज्ड पैड है या रोटरी ड्रम ड्रायर। तो हम मैंने सिर्फ वो वाली टाइप्स सेलेक्ट की हैं जो हमसे ज़्यादा रिलेट करती हैं और ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि हमें ये तमाम चीज़ें, इट इज़ ह्यूमनली नॉट पॉसिबल कि हम तमाम चीज़ों को 40 मिनट्स में कवर कर लें, जो कि हमारा लेक्चर का ड्यूरेशन है 40 मिनट्स का, हम उसमें ये सब तमाम टाइप्स को कवर अप नहीं कर सकते। एनीवेज मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, बुक का चैप्टर नंबर और बुक का पेज नंबर आपको रेफ़र कर दूंगा। अगर आप, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न मोर अबाउट ड्रायर्स, तो आप वहां से जाके बुक के लिंक में बुक डाउनलोड करके वहां से आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं ड्रायर्स के बारे में। एनी हाउ, हम इन 40 मिनट्स में इन 5 टाइप के ड्रायर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो क्लासिफिकेशन में जैसे आपको पहले भी बताया गया कि और भी कई टाइप के ड्रायर्स हैं, लेकिन हम वो 5 टाइप की जो मैंने आपको बात की हम उससे उन पर बात करेंगे। लेकिन आपको ये स्लाइड दोबारा इसलिए दिखाई जा रही है कि जस्ट टू रिफ्रेश योर नॉलेज के कितनी टाइप के ड्रायर्स थे। रोटरी ड्रम ड्रायर एक टाइप थी ड्रायर की, क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं ड्रायर की, जो कि हम देखेंगे इस लेक्चर में। फिर एक रोटरी ड्रायर भी था, एक फ्लैश ड्रायर भी है, जो कि ये दोनों टाइप्स हम नहीं देखने वाले इस लेक्चर में। फिर एक फ्लूडाइज्ड बेड ड्रायर की टाइप है, ये हम देखेंगे इस लेक्चर में। स्प्रे ड्रायर की टाइप है, ये भी हम देखेंगे इस लेक्चर में। कन्वेयर ड्रायर है, ये हम नहीं देखेंगे इस लेक्चर में। देन देयर इज अनदर टाइप विच इज़ कॉल्ड स्ट्रे ड्रायर, ये हम देखेंगे इस लेक्चर में। और एक और टाइप थी थिन फिल्म ड्रायर, ये भी हम इस लेक्चर में नहीं देखेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं रोटेटिंग ड्रम ड्रायर की। रोटेटिंग ड्रम ड्रायर, जैसे कि नाम से आपको कुछ आइडिया हो रहा होगा कि एक ड्रम होता है इसमें, जो कि बेसिकली जिसके ऊपर ड्राइंग होती है मटेरियल, उसके ऊपर हम फैला देते हैं, उस पर स्प्रेड कर देते हैं, मटेरियल स्प्रेड हो जाता है ड्रम, और ड्रम हीट हो रहा होता है अंदर स्टीम से, वो गर्म होता है ड्रम, और वो घूम रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है हल्का हल्का। क्यों रोटेट कर रहा होता है? ताकि वो मटेरियल को पिक करे, और उसके बाद उसमें नाइफ्स कटर्स लगे होते हैं और वहाँ से वो मटेरियल बन के, प्रोडक्ट बन के निकल जाता है। तो हम इसकी जनरल इंफॉर्मेशन देखेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट द इक्विपमेंट डिज़ाइन ऑफ दिस रोटेटिंग ड्रम ड्रायर, देन यूसेज एग्जांपल्स,
और फिर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो रोटेटिंग ड्रम ड्रायर क्या होता है? जनरल इंफॉर्मेशन, रोटेटिंग ड्रम ड्रायर नोन ऑल्सो नोन सिंपली एज ड्रम ड्रायर्स ड्राई मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ द हीटेड रोटेटिंग रोल या ड्रम। जैसे मैंने बताया, ड्रम होता है वो गर्म होता है अंदर, बाहर अंदर से हमने उसे स्टीम देखे गर्म क्या होता है, उसकी सरफेस पे बेसिकली ड्राइंग हो रही होती है, मटेरियल को हम स्प्रेड कर देते हैं। ये आगे चल के आप पिक्चर्स भी देखेंगे इसकी, उसमें मैं आपको इक्विपमेंट डिज़ाइन में फर्दर डिटेल बताऊँगा। द लिक्विड फीड ऑफ अ ड्रम ड्रायर इज अप्लाइड ऑन टू वन और मोर स्लोली रोटेटिंग ड्रम स्टीम हीटेड रोल्स। अच्छा, अब ये स्लोली रोटेट कर रहे होते हैं, इनको हमने कम आरपीएम पे घुमा रहे होते हैं ताकि मटेरियल ये घूमे आहिस्ता 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 घूमे और मटेरियल ड्राई होता रहे। ज़्यादा हम तेज़ नहीं घुमाते ताकि मटेरियल को कुछ टाइम मिले उस ड्रम की सरफेस के ऊपर ताकि वो अपनी ड्राइंग के प्रोसेस को कम्प्लीट कर सके। तो हम उसका रिटेंशन टाइम बढ़ाने के लिए बेसिकली उसकी आरपीएम कम रखते हैं। अच्छा, द ड्राइड प्रोडक्ट इज रिमूव्ड बाय अ नाइफ लाइक मैकेनिज्म। मैंने जैसे बताया कि जब वो ड्राई हो जाती है प्रोडक्ट, तो वो नाइफ एक लगा होता है, वो ड्रम से उसकी तह को, जो कि मटेरियल ड्राई हुआ होता है उसकी तह को वो खुरचता है, उसे उतारता है, उसे स्क्रैप करता है, उसको उसे स्क्रैच करता है बेसिकली, उसके ऊपर से मटेरियल को रिमूव कराता है वो नाइफ लाइक। ये आप पिक्चर में आगे चल के देखेंगे। ड्रम ड्रायर्स आर प्राइमरीली यूज्ड टू ड्राई सलरीज एंड पेस्ट्स। दे आर अवेलेबल इन सेवरल टाइप्स, जैसा कि सिंगल ड्रम ड्रायर भी मिलेगा आपको, डबल ड्रम ड्रायर भी मिलेगा आपको, डबल ड्रम वैक्यूम ड्रायर भी मिलेगा आपको, ट्विन ड्रम भी मिलेंगे। और ये टाइप्स हैं इसी रोटेटिंग ड्रम ड्रायर्स की, ये फर्दर टाइप्स हैं, ठीक है। ये आपको मैं आगे चल के पिक्चर्स में दिखाऊंगा भी। सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन रेट, के प्रोडक्ट कितना चाहिए, कितनी देर में कितना प्रोडक्ट आपको चाहिए, इसकी बेस पे आप सिंगल ड्रम डबल ड्रम वैक्यूम ये वाली टाइप सेलेक्ट करेंगे। हीट ट्रांसफ़र एंड सिस्टम डिज़ाइन, ये वो इन तमाम फैक्टर्स पे आप इन टाइप्स में से सेलेक्ट करते हो कि आपको कितना हीट ट्रांसफ़र चाहिए, आज डिज़ाइन सिस्टम का क्या है, ये इन चीज़ों को देख के हम अपने रोटेटिंग ड्रम ड्रायर की फर्दर टाइप को सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, रोटेटिंग ड्रम ड्रायर का अब इक्विपमेंट डिज़ाइन आप देख रहे हैं यहाँ पे। मैं इसको रीड करने से पहले आपको यहाँ से समझाता हूँ। यहाँ से मटेरियल एंटर होता है, ये हॉपर है, हॉपर एक स्टोरेज होती है जिसमें हम मटेरियल को स्टोर करते हैं, और यहाँ से हम अपनी फीड कंटीन्यूअस यहाँ पे फीडर में इंजेक्ट करते हैं। अब फीडर से ये वाली फीड जा रही है अंदर आपके इस रोटेटिंग ड्रम में, जो कि एक मोटर के साथ कनेक्टेड है, और ये हल्का हल्का रोटेट कर रहा होता है, स्लोली रोटेट कर रहा होता है। अच्छा, यहाँ पर हम हॉट एयर प्रोड्यूस कर रहे हैं, हॉट ब्लास्ट स्टोव में हम यहाँ पे हॉट एयर प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये वाली एयर डेफिनेटली उसके ऊपर ड्राई उस मटेरियल के ऊपर सर्कुलेट होगी, और फिर ये वहाँ से जो वेपर होंगे उसके या मॉइस्चर होगा वो लेके फिर यहाँ से ये अलग हो जाएगी, और इधर से ये चिमनी से आउट हो जाएगी वो एयर। अच्छा, और जो हमारा मटेरियल होगा वो इधर हमारी एक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर आपका मटेरियल एंड पे आपको मिलेगा, और ये साइक्लोन लगा हुआ है, बेसिकली साइक्लोन डस्ट कलेक्टर है, मींस कि अगर कुछ मटेरियल आपका उन वेपर्स के साथ जा रहा है या निकल रहा है आपके ड्रायर से, निकलना तो एक्चुअली यहाँ से चाहिए, लेकिन अगर एयर का प्रेशर ज़्यादा है और वो कुछ मटेरियल को अपने साथ उड़ा के लेके जा रही है, तो वो वाला जो मटेरियल इसमें से निकल रहा होगा उसको हम इस साइक्लोन ड्रायर से वापस उसे कलेक्ट कर लेंगे, उसे हम नहीं निकलने देंगे, और यहाँ से हमारा मटेरियल बनके आउट हो जाएगा। इन सिंगल ड्रम ड्रायर द फीड इज अप्लाइड टू द हीटेड ड्रम बाय एप्लीकेटर रोल है। द नंबर ऑफ एप्लीकेटर रोल्स यूज्ड कंट्रोल्स द एप्लीकेशन ऑफ द मटेरियल, which determines the characteristics of the dried product.
The dried product is removed by side blades and dropped onto a conveyor. देखिए यहाँ पे जैसे conveyor के ऊपर उसको हमने फिर drop कर दिया. Which takes the product to the next step in the production line. Equipment design in double drum dryer, the material enters in the center and is spread onto two heated metal rolls. The material is dried and removed by the side blades as the roll rotates. The product is dropped onto conveyor belt and is taken to the next unit in the process. Twin drum dryers are equipped with a splash feed at the bottom. अच्छा अब ये तमाम आपको वर्डिंग समझाने के लिए मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ. ये देखें, ये रोटेटिंग ड्रम ड्रायर की, ये डबल रोल की बात हो रही है. हम ये डबल रोल की बात कर रहे हैं, ये डबल ड्रम ड्रायर की बात कर रहे हैं, डबल रोल या डबल ड्रम ड्रायर की बात कर रहे हैं. ये देखें, ये सिंगल है, ये सिंगल ड्रम है, ये भी सिंगल ड्रम ड्रायर है, ये भी सिंगल ड्रम ड्रायर है, लेकिन इनमें फीड इंजेक्ट करने के जो पॉइंट्स हैं वो डिफरेंट हैं. इसमें फीड यहाँ से पिकअप हो रहा है, ये रोल घूम रहा होगा, ये आपका रोल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये वाला रोल आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है, फीड इधर से पिकअप हो रहा होगा और आपका प्रोडक्ट, ये नाइफ लगा हुआ है यहाँ से ये नाइफ से ये प्रोडक्ट यहाँ से नाइफ उसको अलग करके कन्वेयर बेल्ट पे डाल के इसे आगे की तरफ मूव कर देगा, आगे की तरफ बढ़ा देगा. इसी तरह आप देखें तो यहाँ पे भी ये स्प्रेडर है. स्प्रेडर मीन्स ये आपके प्रोडक्ट को स्प्रेड कर रहा है ड्रम की सरफेस पे. ड्रम की सरफेस ये यहाँ पे जाते जाते ड्राई हो जाएगा और ये नाइफ लगा होगा, ये इसको अलग कर देगा यहाँ. इसी तरह से ये आप देखें, इसका पिकिंग मैकेनिज्म डिफरेंट है फीड के लिए. यहाँ में लिक्विड पंप लगाया हुआ है और वो ऐसे इसको स्प्रेड कर रहा है स्प्रेडर के थ्रू हमारे ड्रम की सरफेस पे. और यहाँ से आप देख सकते हैं कि एंड पे नाइफ लगा हुआ है और नाइफ वो जो प्रोडक्ट ड्राई होके इस सरफेस पे जम जाएगा, वो नाइफ उसको खुरच के अलग करेगा और वो फिर प्रोडक्ट हम आगे नेक्स्ट पॉस में. तो ये सिंगल ड्रम ड्रायर की एग्जांपल्स हैं ए बी एंड सी. अब आ जाएं आप डी और ई पे. ये दोनों डबल ड्रम ड्रायर की बात है. ये जो डबल ड्रम ड्रायर में ये सारी बात यहाँ पे लिखी गई है कि ये सेंटर एंड मटेरियल एंटर्स इन द सेंटर एंड इज स्प्रेड ऑन टू द टू हीटेड रोल मटेरियल्स. तो मटेरियल एंटर होगा डबल ड्रम ड्रायर में सेंटर में, यहाँ से एंटर होगा मटेरियल. इधर से देखें एंटर हो रहा है, ये फीड पाइप है, फीड पाइप ये मटेरियल को एंटर करा रहा है, यहाँ सेंटर से एंटर हो रहा होगा. अच्छा अब देखें, आप इन दोनों ड्रम ड्रायर की अगर हम बात करें डबल रोल की, इसमें एक रोल जो है ना हमारा ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, दूसरा रोल हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है. और यहाँ पे देखें क्लॉकवाइज और ये वाला ये दोनों क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ये भी और ये वाला एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है. अच्छा और यहाँ से आपका फीड पिकअप होगा सेंटर से और उसके बाद ये फीड आपका मटेरियल पे उस मटेरियल इज ड्राइड एंड रिमूव्ड बाय साइड ब्लेड्स एज रोल रोटेट्स. ये देखें ये साइड पे ब्लेड्स लगे हुए हैं, यहाँ से मटेरियल हमारा ये नाइफ्स लगे हुए हैं, ये साइड पे ब्लेड्स लगे हुए हैं, यहाँ से मटेरियल हमारा अलग हो जाएगा और देन ड्रॉप ऑन कन्वेयर बेल्ट और टेक इट टू द नेक्स्ट स्टेप. तो ये ऐसे काम करता है. एनीवेज तो कंडीशंस अफेक्टिंग अ गिवन यूनिट्स ड्राइंग कैपेसिटी आर फीड रेट, निप गैप. ये निप गैप क्या है? निप गैप वो वाला डिस्टेंस, ये वाला बीच का जो गैप है. ये देखें यहाँ पे ये गैप ज़्यादा है और यहाँ पे ये वाला गैप कम है. ये जो निप गैप है दो रोल्स के बीच का जो गैप है, इस पे डिपेंड करेगी ये चीज़. एंड रोल डायामीटर पे. रोल डायामीटर में से डायामीटर बड़ा, अगर ज़्यादा बड़ा रोल होगा, बड़ा डायामीटर ज़्यादा होगा उसका, तो मटेरियल ज़्यादा लंबा टाइम गुजार के ड्राई होके आएगा. तो ये भी रोल का डायमीटर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एंड स्टीम प्रेशर. स्टीम प्रेशर मींस जो हम ड्रम को गर्म करने के लिए, हीट करने के लिए जो स्टीम दे रहे हैं अंदर, उसके प्रेशर पे भी डिपेंड कर रहा होगा. ठीक है.
तो नेक्स्ट देखें, डबल ड्रम ड्रायर कैन ऑल्सो ऑपरेट इन वैक्यूम. वैक्यूम सिस्टम्स आर पर्टिकुलरली फेवरेबल व्हेन अ स्टेराइल एनवायरनमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर ड्राइंग और व्हेन अ पोरस स्ट्रक्चर इज डिजायर्ड. अच्छा, अब ये अगर आप देखें यहाँ पे, ये वाला जो ड्रायर है हमारा, यहाँ पे जो ये वाला ड्रायर दिखाया गया है, ये वैक्यूम ड्रम ड्रायर है. वैक्यूम ड्रम ड्रायर, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे वैक्यूम प्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि हमारा, और अंदर का मैकेनिज्म सेम रहेगा, बस ये पूरे की पूरा जो आपका यूनिट है ये अंदर इनक्लोज्ड होगा, इसके जहाँ पे वैक्यूम बना होगा, अंडर वैक्यूम ऑपरेट हो रहा होगा. और उसी तरह से कन्वेयर्स देखें लगे हुए हैं, और आपका ये मैन होल है, मीन्स कि यहाँ से आप जाके मेंटेनेंस वगैरह लोग कर सकते हैं, मेंटेनेंस के लोग मैन होल. और ये यहाँ से फीड इंजेक्ट हो रही है और ये ड्रम उसी तरह से मूव करें. बस ये सार इसमें और इसमें ये फ़र्क है कि ये अंडर वैक्यूम ऑपरेट करता है और ये वाले ओपन एयर में ऑपरेट करता है. तो जहाँ पे आपको स्टेराइल एनवायरनमेंट चाहिए, स्टेराइल एनवायरनमेंट, तो वहाँ पे आप इसको यूज़ करेंगे. जहाँ पे पोरस स्ट्रक्चर आपको रिक्वायर्ड होगा प्रोडक्ट का, वहाँ पे आप ये वैक्यूम ड्रम टायर को इस्तेमाल करेंगे. अच्छा, अब ये यूसेज एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं. अच्छा, इंडस्ट्री में ड्रम ड्रायर इस तरह का दिखेगा. देखें, काफ़ी बड़ा ड्रम है, इसका डाया भी काफ़ी ज़्यादा है. इसी तरह से ये देखें, ये भी ड्रम है, ये ऐसे रोटेट कर रहा होगा और यहाँ से फीड इंजेक्ट वगैरह हो रही होगी. ये सब आप देख रहे हैं. The versatility of design allows the use of rotating drum dryer in a wide variety of industries, ranging from food to chemical. Special design allow for the use of rotating drum with toxic, inert and flammable gases by connecting the vapor outlet to a condenser. अच्छा, जैसा आपने देखा, हमने पिछली पिक्चर में साइक्लोन के साथ इसको कनेक्ट किया हुआ था ताकि वेपर हमारे इस तरह से इन्वायरमेंट में ना जाए. यहाँ पे हम कंडेंसर यूज़ करें कि इन्वायरमेंट में हमने वेपर को नहीं निकाल भेजना, अदरवाइज़ वो फ्लेमेबल होंगे या टॉक्सिक हो सकते हैं. तो हम चाहते हैं वो उधर ही उसकी क्लिनिंग कर दें. तो इन्वायरमेंट में जो हॉट एयर जाएगी वो क्लीन होनी चाहिए. अच्छा जी, रोटेटिंग ड्रम ड्रायर शोन बिलो इज़ यूज इन द फ्रूट एंड वेजिटेबल इंडस्ट्री. तो ये फूड इंडस्ट्री में यूज हो रहा है ये ड्रम ड्रायर. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. एडवांटेज नंबर वन इज लार्ज ड्राइंग कैपेसिटी है. कैपेसिटी इनकी बहुत ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट को डील कर सकते हैं प्रोडक्ट की. काफ़ी लार्ज अमाउंट में प्रोडक्ट आपको प्रोड्यूस करके दे सकते हैं. फीड भी ज़्यादा डील कर सकते हैं लार्ज अमाउंट में. रिलेटिवली लो कॉस्ट, चीप है, बहुत अच्छा एक एडवांटेज है. इस वजह से ये बहुत यूज़ होता है इंडस्ट्री में. चीप है ये, कॉस्ट कम है इसकी. लार्ज वैरायटी ऑफ फीड एंड प्रोडक्ट मॉइस्चर पॉसिबल. और इसमें हम काफ़ी मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स को, सिलरी पेस्ट और ड्राई सॉलिड्स, जितने भी आपके लिक्विड्स वगैरह, उनको हम इसमें फीड की नेचर, काफ़ी डिफरेंट टाइप के नेचर के फीड को ये डील कर सकता है, हैंडल कर सकता है. अच्छा, इजी टू ऑपरेट है, सिंपल डिज़ाइन है, इसीलिए देखें इजी टू ऑपरेट है. अच्छा, डिसएडवांटेज इसका सबसे बड़ा ये बल्क एंड बल्की है, सॉरी बिग एंड बल्की है, यानी बहुत जगह घेरेगा ये, क्योंकि बहुत बड़ा है. आप देखें पिक्चर में भी आपको दिख रहा होगा, नज़र आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी जगह घेरता है. बाज़ दफ़ा हमारे पास इंडस्ट्री में इतनी ज़्यादा जगह नहीं होती है, स्पेस नहीं होती है, तो फिर हमें ये बड़ा प्रॉब्लम होगा कि जगह बहुत ज़्यादा घेरता है. ये रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेस. ठीक है. अच्छा, अब आ जाएँ आप नेक्स्ट टाइप ऑफ ड्रायर पे, विच इज़ रोटरी ड्रायर. जनरल इंफॉर्मेशन हम देखेंगे इस ड्रायर की, इसी तरह से हम इक्विपमेंट डिज़ाइन देखेंगे, यूजेज एग्जाम्पल्स देखेंगे, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे. सो दिस इज़ दी रोटरी ड्रायर. ये रोटरी ड्रम ड्रायर से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है. जनरल इंफॉर्मेशन, रोटरी ड्रायर ड्राई मटेरियल बाय हीटेड एयर व्हाइल बीइंग ट्रांसपोर्टेड अलोंग द इंटीरियर ऑफ अ रोटेटिंग सिलेंडर.
अच्छा, रोटेटिंग रोटरी ड्रायर कंसिस्ट ऑफ अ रोटेटिंग सिलेंडर शेल दैट कैन बी हॉरिजॉन्टली और स्लाइटली इंक्लाइंड, देखिए हल्का सा तिरछा होता है, हल्का सा, ताकि मटेरियल जो इन हो रहा है वो आहिस्ता 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 खिसकता खिसकता आउट भी हो जाए थोड़ा सा, इसलिए हम इसको इंक्लाइंड रखते हैं, तिरछा रखते हैं। इन अ रोटरी ड्रायर द हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म कैन बी ईदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है, और डायरेक्ट हीट रोटरी ड्रायर्स आर मोर कॉमन देन इनडायरेक्ट रोटरी रोटरी ड्रायर्स, शोन हियर इज अ रोटरी ड्रायर गेटिंग इंस्टॉल्ड। ये आप देख सकते हैं, ये एक आपका रोटरी ड्रायर यहाँ पे दिखाया गया है। अच्छा, अब ये इक्विपमेंट डिजाइन है रोटरी ड्रायर का, देखें ये जब घूमता है अंदर से इसके शेल, इसके ये जो आपको ये जो इसका ड्रम दिख रहा है, जो इसको आपका ये सिलेंडर दिख रहा है, इसके अंदर इस तरह से ये पिक होता है मटेरियल, ये पिक हो रहा है और ये ऊपर जाता है जब, तो यहाँ से फिर ये ड्रॉप होता है, ये मटेरियल देखें ड्रॉप हो रहा है नीचे, जो ड्रॉप हो रहा होता है इसी दौरान फिर एयर जब गुजरती है ना इसमें से, तो ये फिर इसका मॉइस्चर ड्राई मटेरियल, इस वेट मटेरियल का जो मॉइस्चर है वो अपने साथ लेके एग्जिट हो जाती है, आउट हो जाती है। ये देखें ये फीड शूट है, यहाँ से मटेरियल एंटर होगा, फिर ये आपके डिफरेंट पार्ट्स यहाँ पे बताए गए, मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता देता हूँ आपको। ये आपका शेल है, ठीक है, और आपकी इसी तरह से ये आपके टर्निंग रोड, ये आपको यहाँ पे मोटर लगी हुई है जो इसको घुमा रही होती है हल्की हल्की, और यहाँ से आपका प्रोडक्ट बनके डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है, हल्का सा ये हम इसको इंक्लाइंट रखते हैं ताकि मटेरियल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी हल्का हल्का खिसकता खिसकता ऐसे आउट हो जाए मटेरियल यहाँ से। तो ये इक्विपमेंट डिज़ाइन है, डायरेक्ट हीट रोटरी ड्रायर्स ड्राई द वेट फीड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द हॉट गैस, द गैस फ्लो कैन बी को काउंटर और काउंटर करंट, सॉरी को करंट और काउंटर करंट हो सकते हैं, ये दोनों फीड के जो आपका गैस का जो फ्लो है। अच्छा, ये को करंट और काउंटर करंट आपको पता है, को करंट का मतलब है कि सेम डायरेक्शन में फीड भी एक ही डायरेक्शन में जा रहा है और एयर भी एक ही डायरेक्शन में जा रही है, दूसरा यह है कि फीड इस डायरेक्शन में जा रही है और एयर दूसरी डायरेक्शन से आ रही है। ये देखें आप यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया, यहाँ से फ्रेश एयर इन हुई, ये हीटर लगा हुआ था, ये गर्म हुई एयर, गर्म होने के बाद ये ब्लोअर लगा हुआ, ब्लोअर ने गर्म हवा को इधर से घुमाया, ऐसे एयर इस डायरेक्शन में जा रही है और वेट मटेरियल अपोजिट डायरेक्शन से जा रहा है और यहाँ से निकल रहा है, आउट हो रहा है, इधर से इन हो रहा है वेट मटेरियल और एयर इस तरफ से आ रही है, एयर एक डायरेक्शन से आ रही है और वेट मटेरियल दूसरी डायरेक्शन से आ रहा है, तो ये काउंटर करंट हो गया। ये देखें आप, ये टाइप काउंटर करंट हो गई। इसी तरह से आप देखें तो इस वाले केस में फ्रेश एयर फिर वो हीटर में से गुजरी तो गर्म हुई एयर, फिर ब्लोअर ने उस एयर को ब्लो किया मटेरियल के ऊपर, अब वेट मटेरियल भी इसी डायरेक्शन से जा रहा है और एयर भी इसी डायरेक्शन से जा रही है, तो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, को करंट कॉन्फ़िगरेशन हो गई और यहाँ से मटेरियल ड्राई होने के बाद आउट हो जाएगा। रोटरी ड्रायर का ये इक्विपमेंट डिज़ाइन है, द फीड ड्राइज एज इट इज़ ट्रांसपोर्टेड अलॉन्ग द इंटीरियर ऑफ द रोटेटिंग सिलेंडर। अच्छा, ये वाले ब्लेड्स, ये ब्लेड्स हैं, ये ब्लेड्स हैं, यहाँ से ये फीड को पिक करते हैं, पिक करते हैं, ये उठाते हैं फीड को, जैसा कि आपको मैंने इस पिक्चर में दिखाया था, ये फीड को उठा रहे हैं, देखें पिक कर रहे हैं ये ब्लेड्स, ये पिक कर रहे हैं, फिर ये फीड वापस ये हमारा इधर से दोबारा ड्रॉप हो रहा है और इसी दौरान ये मटेरियल इसमें से एयर जब गुजरता है तो वो फिर मॉइस्चर को लेके निकलता है एयर, तो इससे ये मटेरियल ड्राई होता है, तो ये वाला जो आप देख रहे हैं ये ब्लेड्स हैं, वो पिकिंग ब्लेड्स हैं। द शेल एक्ट्स एज बोथ अ स्टरर एज एंड अ कन्वेइंग डिवाइस, डेफिनेटली वो कन्वे कर रहा होता है, स्टर भी कर रहा होता है मटेरियल को। अच्छा, जनरली डायरेक्ट हीट रोटरी ड्रायर्स आर इक्विप्ड विद फ्लाइट्स, इसमें हम ये मैकेनिज्म है फ्लाइट्स, हम उसको गिरा रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ, तो एयर घूम जा रही है उसमें से पास हो रही है, तो ये मैकेनिज्म फ्लाइट कहलाता है। और लाइक दी वन पिक्चर्ड हेयर, ये वाला जो आप देख रहे हैं
on the interior of for lifting and showering the feed through the gas stream as it passes through the cylinder. ये मैंने आपको पिछली पिक्चर में दिखाया था, ये पिकिंग ब्लेड्स हैं, ये इसको पिक करेंगे, यहाँ से इसको उठाएंगे फीड को और उसको गैस को उसके अंदर से गुजारेंगे, शावर करेंगे, उसे गिराएंगे, फिर पहले लिफ्ट करेंगे, पिक करेंगे, लिफ्ट करेंगे, फिर उसे शावर करेंगे, उसे ड्रॉप करेंगे. अच्छा, अब इन हॉरिजॉन्टल रोटेटिंग सिलेंडर द फ्लाइट्स मूव द पार्टिकल्स डाउन द सिलेंडर. चॉइस ऑफ फ्लाइट डिज़ाइन डिपेंड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फ्लो रेट ऑफ द मटेरियल बीइंग ड्राइड. तो ये जो आपके पिकिंग ब्लेड हैं इनको फ्लाइट्स कह रहे हैं, फ्लाइट्स इसे फ्लाइट्स बोल रहे हैं. इनका डिज़ाइन डिपेंड करेगा कि मटेरियल कौन सा यूज़ हो रहा है. इक्विपमेंट डिज़ाइन इज कंटिन्यूड. रोटरी ड्रायर में वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इनडायरेक्ट हीट रोटरी ड्रायर इज द स्टीम ट्यूब रोटरी ड्रायर शोन हियर. ये देखें आप यहाँ पे, ये यहाँ पे हमने स्टीम यूज़ कर रहे हैं हीटिंग के लिए. अच्छा, अब ये देखें, ये भी इंक्लाइंड है ड्रायर, हल्का सा आपने इंक्लाइन किया हुआ है इसको. इट कंसिस्ट्स ऑफ अ स्लोली रोटेटिंग ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल शेल विद हीट ट्रांसफर ट्यूब्स अलोंग द आउटसाइड वॉल्व्स. स्टीम एंटर्स द हीट ट्रांसफर ट्यूब्स थ्रू एन इनलेट at the discharge end of the dryer. The feed enters at one end through a feeder and exits at the other end. एक जगह से दाखिल होगी, दूसरी जगह से निकल जाएगी फीड. अच्छा, और यहाँ से आपका डायपर देखिए निकल रहा है और इधर से आप इन करा रहे हैं फीड को, ये फीड इन हो रही है और इधर से आउट हो रहा है. It is moved towards the discharge by the inclined rotation of the shell. यानी ये under the influence of gravity inclined है, तो हल्का हल्का material इधर से इन हो रहा है, तो ये खिसकता ऐसे यहाँ. अच्छा, आप देखें यहाँ पे color red है और यहाँ पे color yellow है, means यहाँ heat ज़्यादा है इस area में. ये वाला हिस्सा drum का ज़्यादा गर्म है और ये कम गर्म है. यूजेज एग्जाम्पल्स आप देख रहे हैं. रोटरी ड्रायर्स आर यूज प्राइमरीली इन प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर फार्मास्यूटिकल एंड सीमेंट. आप देख रहे हैं यहाँ पर दिखाया गया. बिलो इज द पिक्चर ऑफ एन इंस्टॉल्ड रोटरी ड्रम ड्रायर दैट कुड बी यूज फॉर फूड इन्ग्रीडियंट्स और टबैको. ये इन पर्पजेज के लिए भी यूज़ करते हैं हम इनको. एडवांटेजेस देख लें. इफेक्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग पैरामीटर चेंजेस प्रिडिक्टेबल. यानी जो चीज़ें हमारी चेंज हो रही हैं उनको हम, जो हमारे ऑपरेटिंग पैरामीटर्स हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी चीज़ें, हम इनका जो असर है हम वो प्रिडिक्टेबल है. ये एक अच्छी चीज़ है, हमें पता चल जाएगा हम इतना बढ़ाएंगे टेम्परेचर तो ये होगा बदले में. कुछ केसेस में ये प्रिडिक्टेबल नहीं होता है. अच्छा, किल्न और रोलिंग एक्शन. किल्न वो पोर्शन होता है जो ड्रम, जो कि हमारा ड्रम है जिसके अंदर हीटिंग हो रही है, उसे हम किल्न कहते हैं. और आप उसको रोलिंग एक्शन, उसका डिफ़िकल्ट टू क्वांटिफाई, ये बड़ा मुश्किल है कि आपने कितना रोल किया और उसके हिसाब से कितनी ये हम चीज़ नहीं पता चला सकते, तो ये डिसएडवांटेज है इसका. तो सेंसिटिव टू लोड एंड गैस वेलोसिटी वेरिएशंस. अगर आपने ज़्यादा फीड दे दी, लोड हमारा फीड है, हमने ज़्यादा फीड दे दी और गैस की वेलोसिटी जो हम उस पर हॉट एयर दे रहे हैं, अगर वो बदलेगी तो तब भी इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर असर पड़ेगा. ये एक डिसएडवांटेज है इसका. नाउ लेट्स सी द फ्लूइडाइज्ड बैटरी ड्रायर. इसकी जनरल इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट डिज़ाइन, यूजेज एग्जाम्पल, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस. आप देख सकते हैं ये हमारा फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर. इन फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर्स वेट पार्टिकुलेट फीड इज फ्लूइडाइज्ड बाय द ड्राइंग गैस.
A hot or warm gas passes upward through the wet particulate feed so that the material can dry while remaining fluidized. यानी material अगर agitate करता रहेगा उसमें air के अंदर वो transport हो रहा है तो definitely उसी दौरान वो dry भी हो रहा होगा. ये आगे चल के picture में आप देख को मैं बताऊँगा. Depending on their design, fluidized dryer can be run in continuous or batch mode. ये दोनों modes में आप use कर सकते हैं. Continuous भी होगा, batch भी, depend करेगा आप design क्या है उसका. They can also be used to heat or cool or even to coat particles in the same unit. ये आप equipment design देख रहे हैं इसका. ये मैं अभी पिक्चर को भी एक्सप्लेन करता हूँ. पहले यहाँ से आपको मैं रीड करके बता देता हूँ. अ फ्लूइड बेल्ट ड्रायर कैन बी कैटेगराइज्ड एज स्टेशनरी और वाइब्रेटिंग. स्टेशनरी फ्लूइड बेल्ट ड्रायर कैन रन इन बैच, प्लग फ्लो, मिक्स्ड मोड और इन स्टेजेस. ये अब कुछ प्रोसेस हैं, मोड्स हैं इसको चलाने के. इसकी मैं फिलहाल ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ. ये प्लग फ्लो और मिक्स्ड मोड में आगे चल के मौका मिला तो आपको एक्सप्लेन करूँगा ये क्या होते हैं. इन अ स्टेशनरी फ्लूइड बेड ड्रायर, वेट मटेरियल इज फेड एट द टॉप एंड ड्राइड बाय एन अपस्ट्रीम ऑफ हॉट गैस, यूजुअली एयर. ड्राई प्रोडक्ट इज रिमूव्ड एट द बॉटम ऑफ एट द बॉटम एंड द एयर इज क्लीन्ड through a cyclone and discharged at the top of the unit. अब देखें यहाँ से हमारा अगर आप इसकी ओवरऑल फंक्शनिंग देखें, ये हमारा फ्लूडाइज्ड फ्लूड बेड विद इन बेड ट्यूब्स एंड गैस रिसाइकल है. ये रिसाइकल सिस्टम भी इसमें लगा और हमारी ड्राइंग कहाँ से, यहाँ से फीड एंटर हो रही है और ये इसमें जा रही है. इस पोर्शन में यहाँ पे ट्यूब्स हैं, ये इसमें जाएगी और यहाँ से हम हीटिंग कर रहे हैं स्टीम से. ये देखें ये रेड पोर्शन है, ये यहाँ पे हीटिंग हो रही है, ये स्टीम आ रही है और स्टीम कंडेंस होके अपना टेम्परेचर, अपनी लेटेंट हीट ट्रांसफ़र करके कंडेंस हो जाएगी, फेस चेंज कर लेगी और फिर ये कूलर सेक्शन है आप देखें यहाँ से. अच्छा एनीवेज, तो ये आपका जो वेपर हॉट एयर या स्टीम जो जाएगी ये इधर से निकलेगी और इन साइक्लोन्स में चली जाएगी, जहाँ पे जाके ये आपकी इन साइक्लोन्स में जाके एयर क्या होगी, ये स्टीम इसमें से ये वेपर ये अलग हो जाएगा मिक्सचर और फिर बाद में दोबारा हम उसको रिसाइकल कर देंगे, इंजेक्ट कर देंगे और जो चीज़ आउट करनी होगी वो इधर से आउट हो जाएगी, राइट. तो फिलहाल इसको एक और पिक्चर में आप देखेंगे आगे चल के. ये आपको फ्लूडाइज बेड ऐसा दिखता है, ये फ्लूडाइज बेड ड्रायर ऐसा नज़र आता है. इसमें आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ से प्रोडक्ट आप यहाँ से एंटर करेंगे अपने फीड, ये कन्वे होगी और ये जाएगी इस पोर्शन में, यहाँ पे हीटिंग चल रहा होगा. अच्छा अब ये हीटिंग कैसे हो रहा है, आप इनलेट एयर को लेके जा रहे हो, ब्लो कर रहे हो और नीचे आपके हीटर लगे हुए हैं, वो हीटर एयर को गर्म करेंगे, गर्म करके एयर यहाँ से इसमें एंटर हो जाएगी. अब मटेरियल ऊपर से गिर रहा है, थ्रू हो रहा है, ये देखें ये गिर रहा है मटेरियल ऊपर से और ये एयर क्या कर रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, इस मटेरियल में से गुजरेगी तो वो मटेरियल को खुश्क करेगी और वो मटेरियल ड्राई होने के बाद ये कन्वेयर बेल्ट है इस पे इस यहाँ से आउट हो जाएगा. लेकिन ये एयर जब यहाँ से निकलेगी तो ये साइक्लोन्स में जाएगी, ये देखें साइक्लोन्स लगे हैं, साइक्लोन कलेक्टर है. ये क्या करेगा, अगर कुछ प्रोडक्ट का पार्ट डस्ट की फॉर्म में उस एयर के साथ, उस एयर की स्ट्रीम के साथ, उस एयर के फ्लो के साथ कैरी कर गया या उसके साथ निकल के जाने लगा बाहर, तो हम साइक्लोन के ज़रिए उसको वापस यहाँ पे इधर कन्वेयर बेल्ट पे ले आएंगे और जो फिर हमारा एयर होगा सिर्फ उसको हम यहाँ से एग्जिट करेंगे. इक्विपमेंट डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरर्स कुड प्रिवेंट
particles from becoming fluidized, such as non-uniformity or stickiness. Ideally, the material being dried should not be too dense या cause uneven air distribution, यानी ऐसा material होना चाहिए जिसमें से air आसानी से गुजर सके, इतना dense भी ना हो, जुड़ा हुआ ना हो material आपस में, उसमें से air ही ना गुजर सके, तो fluidized bed dryer के लिए suitable नहीं होगा material. Vibrating fluid bed dryers such as one shown below are used to avoid problems caused by non-uniform or sticky particles. Materials are fluidized by oscillation of the bed units rather than by the flow of air. तो इसमें क्या हो रहा होता है, उसमें आप vibrate करा रहे होते हैं, तो उसी से ही आपका material नीचे की तरफ move कर रहा होता है. उसमें movement का ही एक difference है. यहाँ पे हम air के साथ करा रहे थे, यहाँ पे oscillation या vibration से करा रहे हैं. ऑसिलेशन में आप उसको घुमा रहे होंगे, वाइब्रेट कर रहे होंगे. यूजेज एग्जांपल्स, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग मेनी प्रोडक्ट्स. टिपिकली एप्लीकेशंस इंक्लूड द प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स, पिगमेंट्स, फूड प्रोडक्ट्स एंड केमिकल्स. द वाइब्रेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर बिलो, ये जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, इज यूज्ड to dry several types of powders, agglomerates and granulates. ये agglomerates भी ऐसे ही होते हैं material जो आपस में थोड़े जुड़े हुए होते हैं, material इस तरह के material जो आपस में agglomeration हुई होती है वो materials. अच्छा, batch fluid, batch mode fluidized bed dryer such as the one shown here is widely used in the pharmaceutical इंडस्ट्री, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे. ड्यू टू स्मॉल प्रोडक्शन वॉल्यूम रिक्वायरमेंट एंड वाइटल क्वालिटी अश्योरेंस, क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, क्योंकि मेडिसिन आप बना रहे हैं, ज़रा सी भी चूक उसमें आपको बहुत महंगी पड़ सकती है, तो इसलिए आपकी क्वालिटी अश्योरेंस 100% आपको रिजल्ट चाहिए होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में. दे हैव रिप्लेस्ड ट्रे ड्रायर्स इन मैनी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, काफ़ी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में ट्रे ड्रायर को ये रिप्लेस कर देते हैं. वैसे ट्रे ड्रायर भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत यूज़ होता है. एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख रहे हैं, नो मकैनिकल मूविंग पार्ट्स रिजल्टिंग इन लो मेंटेनेंस, मूविंग पार्ट नहीं है तो मैंटेनेंस कम है. जैसे रोटरी ड्रम ड्रायर में मूविंग पार्ट थे, मोटर्स इन्वॉल्व थे, तो वहाँ पर मैंटेनेंस कॉस्ट थी, यहाँ पर मूविंग पार्ट नहीं है तो इसलिए मैंटेनेंस कॉस्ट कम है. Rapid heat and mass exchange, avoiding overheating or of sensitive products. इसमें अच्छा sensitive product, इसीलिए ये pharmaceutical industry में भी ज़्यादा use हो रहा है कि sensitive product के लिए ये suitable है. अच्छा, इसमें rapid heat and mass exchange हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसमें से air pass हो रही है, बहुत अच्छा contact मिल रहा है air को, उसमें से गुजर रही है वो. आपको याद होगा पीछे picture में भी आप देखेंगे, air उसमें से पास हो रही है, ये देखें एयर बहुत अच्छे तरह से उसमें से गुजरती है, तो मटेरियल के अंदर से अच्छी तरह जब वो गुजरेगी तो जारी बात है फिर आपका जो रैपिड हीट और मैस एक्सचेंज होगा. थर्ड एडवांटेज हाई हीट ट्रांसफ़र रेट्स हैं, हाई ट्रांसफ़र रेट भी ज़्यादा है इसी वजह से. इवन फ्लो परमिट कॉन्टीन्यूस ऑटोमेटिकली कंट्रोल लार्ज स्केल ऑपरेशन. इवन फ्लो मीन्स कि इसमें फ्लक्चुएशन नहीं है, एक ही तरह का फ्लो आपको मिलेगा, और इसकी वजह से भी ये भी एक अच्छा पॉइंट है इसका. अच्छा, अब इसका डिसएडवांटेज ये है कि फीड पार्टिकल साइज मस्ट बी इक्वल टू दी इक्वल और लेस देन 100 माइक्रोन्स. माइक्रोन्स आपको पता है कि 10^-6 माइक्रोमीटर भी कहते हैं माइक्रोन्स को. अच्छा, अब माइक्रोमीटर बहुत फाइन पाउडर में होना चाहिए, उसको वही वाला मटेरियल आप फ्लूइडाइज्ड बेड के लिए यूज़ कर सकते हैं. जब तक वो फाइन पाउडर में नहीं होगा, इस पार्टिकल साइज से नीचे नहीं होगा या इतना नहीं होगा, तो आप वो इसमें यूज़ नहीं कर सकते. तो इसलिए हमारे कई मटेरियल इतने फाइन पाउडर में नहीं होते हैं, इस फॉर्म में नहीं होते हैं, तो वो फिर सूटेबल नहीं है इस टाइप के ड्रायर के लिए. सेंसिटिव टू लोड वेरिएशन,
लोड वेरिएशन में सेंसिटिव है, मीन्स कि अगर आपने ज़्यादा फीड एंटर कर दिया तो फिर उसके अंदर इसको इशू होगा, इसमें आपको कंटिन्यूस फीड ही देना होगा, उसी सूरत में आपके पास प्रोडक्ट बन के निकलेगा जो आप जिस क्वालिटी का प्रोडक्ट चाह रहे हैं। तो आप स्प्रे ड्रायर को देख लेते हैं, इसमें जनरल इन्फॉर्मेशन, इक्विपमेंट डिज़ाइन, यूजेज एग्जांपल्स और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। स्प्रे ड्रायर कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज वर्टिकल सिलेंडर चेंबर, मटेरियल टू बी ड्राइड इज स्प्रेड एज ड्रॉपलेट्स इनटू अ स्ट्रीम ऑफ हॉट गैस। जैसे मैंने आपको बताया था मिल्क इंडस्ट्री में दूध, खुश्क दूध बनाने के लिए यही टाइप का ड्रायर यूज़ हो रहा होता है। स्प्रे ड्रायर्स ट्रांसफॉर्म अ सॉल्यूशन सस्पेंशन और अ पेस्ट इनटू ड्राइड प्रोडक्ट बाय स्प्रेइंग द फ्लूइड इनटू द वार्म और हॉट ड्राइंग मीडियम दैट इज यूजुअली एयर। दे कैन ऑपरेट काउंटर करंटली, को करंटली और एज मिक्स्ड फ्लो प्रोसेस। ये डिपेंड करेगा आप किस कॉन्फ़िगरेशन में इसको चला रहे हैं। इनमें तीनों ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वंस द मटेरियल हैज़ पास्ड थ्रू, इट कैन बी कलेक्टेड इजीली फ्रॉम द चेंबर्स बॉटम। इफ इट इज अ कोर्स पाउडर बट फाइन पाउडर्स हैव टू बी कलेक्टेड फ्रॉम बैग फिल्टर्स। बैग फिल्टर्स होते हैं, उसमें वो मटेरियल कलेक्ट हो जाता है, फिर आप वहाँ से उसको सेपरेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। अच्छा, अब देखें ये जो आपको तीन कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे डिफरेंट बताई गई थी, काउंटर करंटली, को करंटली, मिक्स्ड फ्लो, किस तरह की, ये सेपरेट ड्रायर में फ्लो अरेंजमेंट्स आपको मिलेंगी। जैसे आप देख सकते हैं ये काउंटर करंट है। काउंटर करंट मींस कि प्रोडक्ट आपका, ये एयर, हॉट एयर इधर से आ रही है, ये देखें यहाँ से हॉट एयर आ रही है और आपका प्रोडक्ट इधर से आ रहा है, सॉरी प्रोडक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है क्योंकि आप उसे ड्रॉप करते हैं, तो एयर इस तरफ जा रही है, प्रोडक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, तो काउंटर करंट हो गया, दोनों मुख्तलिफ डायरेक्शन में आ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। अच्छा, आप देखें यहाँ से फीड आप ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं, ये फीड आ रही है, इस पाइप से फीड आ रही है, ये स्प्रे हो रही है, ये स्प्रे हुई, ये स्पार्जर लगा हुआ है, नोजल लगी हुई है, नोजल्स के आगे डिज़ाइन आने वाले, और हॉट एयर भी आपकी इधर से आ रही है और इसलिए ये मिक्स्ड फ्लो हो गया, इन इधर से भी इधर से घूम के, इसमें कोई पैटर्न नहीं है, मिक्स्ड है, काउंटर भी है, को भी है, ऐसे घूम रही है, और ये पैरेलल फ्लो है, यानी ऊपर से आप फीड शावर कर रहे हैं नोजल से और एयर आपकी ऊपर से ही आ रही है नीचे की तरफ, देखें हॉट एयर नीचे, तो ये पैरेलल फ्लो हो गया, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, और ये इसमें भी आप देखें तो ये भी आपकी डायरेक्शन, ये को करंट है, यहाँ से फीड आ रही है और हॉट एयर भी इधर से आ रही है और प्रोडक्ट आपका इधर से बन के निकल रहा है, सब में प्रोडक्ट नीचे से ही बन के निकल रहा है सब टाइप। इक्विपमेंट इन अ टिपिकल स्प्रे ड्रायर, दिस साइक्लोन चेंबर हैज़ अ शॉर्ट कॉनिकल बॉटम, लिक्विड फीड इज पम्प्ड इनटू अ स्प्रे डिस्क ऑटोमाइजर। ऑटोमाइजर वही पोर्शन है जहाँ जो स्प्रे कराता है हमारे प्रोडक्ट को, सेट इन द रूफ चेंबर, वो हम हमेशा ऊपर लगाते हैं ऑटोमाइजर यहाँ पे। द लिक्विड इज ऑटोमाइज्ड इनटू स्मॉल ड्रॉप्स विच आर थ्रोन रेडिली इनटू अ स्ट्रीम ऑफ हॉट गैस एंटरिंग नियर द टॉप ऑफ द चेंबर, मैनिपुलेटिंग द टेम्परेचर ऑफ दिस हॉट गैस स्ट्रीम allows control over the porosity of the dried material, यानी कितना वो porous है वो depend करेगा कि porous कम है या ज़्यादा है, उस हिसाब से आप उसको ये temperature और ये चीज़ें दोगे, manipulate करोगे, manipulate का मतलब उसे तब्दील, चेंज करते रहेंगे हम, कम ज़्यादा करते रहेंगे, उसे बदलते रहेंगे। Once drying is complete, the gas and solids are cooled and separated in a cyclone separator where any entrained particles of solids are removed. Entrained मतलब वो जो रह गए हैं पार्टिकल, कभी निकल रहे होते हैं तो हम उसको अलग है, तो ये साइक्लोन हो गया, ये वाला पोर्शन देख रहे हैं आप, ये बैग फिल्टर है, ये सॉरी बैग फिल्टर है, ये साइक्लोन है।
और ये आप देखें यहाँ पे, यहाँ से आपका प्रोडक्ट निकल रहा है, आउट हो रहा है, और ये डिफरेंट आपको बाकी इसमें मैकेनिज्म देख रहे हैं कि एयर यहाँ से ब्लो हो रही है, एयर ब्लो हो रही है, और यहाँ से एयर फिर जा रही है, इस पोर्शन में फीड ऊपर से ही आ रही थी। अब मैं आपको ऑटोमाइजर्स दिखा, ये देखें आप, ये भी फ्लो अरेंजमेंट्स आप देख रहे हैं स्प्रे ड्रायर में, ये आपकी को करंट अरेंजमेंट है, ये वाली आपकी मिक्स्ड फ्लो है, और ये आपकी दिस इज़ मिक्स, ये इज़ अ काउंटर, दिस इज़ मिक्स्ड, दिस इज़ मिक्स, और इसमें आप देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स के आपके। अब ऑटोमाइजर का डिज़ाइन ये है कि ऑटोमाइजर आप ऊपर की तरफ शावर कर रहा है, ऑटोमाइजर नीचे की तरफ कर रहा है, तो ये डिपेंड करे कि किस तरह का फ्लो अरेंजमेंट आपने दिया हुआ है अपने ट्रायल में। ये देखें ऑटोमाइजर इस तरह का होता है, ये स्प्रे कर रहा होता है, ये स्प्रेयर भी आप इसको कह सकते हैं, स्प्रेयर या ऑटोमाइजर। ये लिक्विड को बड़े फाइन फाइन किस्म के ड्रॉपलेट्स में स्प्रे करता है ताकि इसमें से एयर आसानी से गुजरे और वो ड्रॉप हो जाए, सॉरी वो ड्राई हो जाए। अच्छा, दी ऑटोमाइजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी स्प्रे ड्रायर, इट डिटरमिन्स द साइज साइज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेजेक्ट्री एंड साइज ऑफ द ड्रॉपलेट्स। द पिक्चर बिलो इज शोन, द पिक्चर बिलो शोन शो टू कॉमनली यूज ऑटोमाइजर, ऑन द लेफ्ट इज आ रोटरी ऑटोमाइजर एंड ऑन द राइट इज द प्रेशर नोजल ऑटोमाइजर। रोटरी ऑटोमाइजर टिपिकली स्पिन एट अ रेट ऑफ 5,000 to 25,000 RPM, ये स्पिन कर रहा होता है, तो तभी आपके ये ड्रॉपलेट्स बन के निकल रहे होते हैं। द ड्रॉप साइज डिटरमिन्स द ड्राइंग रेट बाय रेगुलेटिंग द वेरिएबल हीट ट्रांसफर सरफेस एंड इट ऑल्सो कंट्रोल्स द साइज ऑफ द ड्राइड पार्टिकल। एडिशनली अ लार्ज ड्रॉप साइज रिक्वायर्स अ लार्जर ड्राइंग चेम्बर। ड्राइंग चेम्बर्स आर ऑफन फाउंड टू बी 20 मीटर और टॉलर, यानी बहुत ऊंचे ऊंचे, बहुत बड़े बड़े। 20 मीटर का मतलब है कि ये 70 फीट तक, यानी 70 फुट तक ऊंचा हो सकता है, काफ़ी हाइट से मटेरियल नीचे की तरफ आ रहा होता है। अच्छा, अब आप यूजेज एग्जांपल्स देख सकते हैं। स्प्रे ड्रायर्स स्पैन अ ब्रॉड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस, दे कैन बी फाउंड इन फूड डेयरी एंड प्लाज्मा प्रोसेसेस। अब डेयरी इंडस्ट्री में ही आप मिल्क को ड्राई करके पाउडर फॉर्म में बना रहे होते हैं, खुश्क दूध बना रहे होते हैं डेयरी, एज वेल एज इन द प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स, रबर लेटेक्स, सिरामिक पाउडर्स एंड डिटर्जेंट्स। उनमें भी आप देखेंगे इसी टाइप का ड्रायर, स्प्रे ड्रायर यूज हो रहा होगा। दिस स्प्रे ड्रायर पिक्चर्ड हेयर ऑन द राइट इज यूज फॉर डेयरी एप्लीकेशन एंड इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉफी, कॉफी बीन्स जो आप बनाते हैं ड्राई करते हैं उनको, उनमें भी आप ये यूज करते हैं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज एंड क्वालिटी आर इफेक्टिवली कंट्रोल्ड, ये चीज़ हमारे कंट्रोल में रहती है, एक अच्छी चीज़ है इस ड्रायर की कि हम क्वालिटी और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं प्रोडक्ट की, उनको हम पैरामीटर्स को मैनिपुलेट करके आगे पीछे कम ज़्यादा करके उसे अपने मुताबिक ढाल सकते हैं, अपने मुताबिक हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अच्छा, हाई हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट्स एट दी हाई टेम्परेचर डिफरेंसेस। अब ये चीज़ आपकी, जैसे यही वाला एडवांटेज आपको याद हो तो फ्लूडाइज पैड में भी यही वाला सेम एडवांटेज था, उनमें भी इसी तरह एयर गुजरती थी अच्छे से, उसमें से पास होती थी, तो इसलिए फिर हीट ट्रांसफ़र भी अच्छा रहता था। अच्छा, अब इजी टू डी स्केल हैं। डी स्केल मीन्स के अगर आपके ड्रायर में कोई मटेरियल जम गया है तह पे, या उसको आपने अलग करना है, साफ़ करना है, क्लीनिंग करनी है, तो वो भी इसकी इजी है, डी स्केलिंग इजी है।
रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव है ये, इनकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं होती है ये, इसलिए भी ये भी एडवांटेज है। डिसएडवांटेज में पुअर हीट ट्रांसफर्स एंड लो टेम्परेचर डिफरेंसेस विद लो विस्कस लिक्विड्स। अगर विस्कस ज़्यादा नहीं है लिक्विड तो फिर आपका ये वाला प्रॉब्लम आएगा, इशू आएगा कि हीट ट्रांसफर इतना बेटर नहीं होगा उसमें। हाईली एनर्जी इंटेंसिव बट यूज ऑफ मल्टीपल ड्राइंग स्टेजेस कैन अलाउ ऑफ फॉर रिसाइकलिंग ऑफ हीट। अच्छा, अब इसमें ना यानी हीट का कंसम्पशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हीट इस्तेमाल करते हैं ये ड्रायर्स, लेकिन अगर हम उस हीट को जो कि गर्म हवा हम निकाल दें बाद में वो आउट हो जाती है, एग्जिट करती है, अगर हम उसको रिसाइकल करा दें तो फिर हीट की जो बचत हो जाती है, फिर हमारा हीट एनर्जी सेव हो जाती है। अदरवाइज़ ये एनर्जी बहुत ज़्यादा लेते हैं, कंज्यूम करते हैं एनर्जी, बहुत हीट बहुत कंज्यूम करते हैं, एयर को हीट करने के लिए काफ़ी एनर्जी इनको देनी पड़ती है। और अगर आप हीटिंग हीटर्स से कर रहे हो जो कि इलेक्ट्रिसिटी से, इंडस्ट्री में अगर हीटर्स आप चला रहे हो तो इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि महंगी होती है, कॉस्ट उसकी ज़्यादा होती है, स्टीम से हीटिंग सस्ती हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी से हीट की जो हीटिंग है वो महंगी पड़ती है, तो इसलिए भी फिर ये वाला ड्रायर ये एक डिसएडवांटेज है इसका। अच्छा, अब रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लोर स्पेस एंड इज हैवी। अच्छा, अब ये क्योंकि 70-70 फुट तक जैसे मैंने बताया इतने ऊंचे हो सकते हैं। अच्छा, अब हाइट भी बहुत लेते हैं और स्पेस बहुत घेरते हैं, जगह बहुत घेरते हैं, ये एक डिसएडवांटेज है। नोजल्स एंड ऑटोमाइजर्स आर इजीली प्लग्ड, यानी वो जो ऑटोमाइजर है या नोजल है जो कि स्प्रे कर रही होती है हमारे मटेरियल को जिसे हमने ड्राई करना है, उसके अंदर वो क्योंकि होल बहुत छोटे छोटे होते हैं उसमें, बड़े स्मॉल होल्स होते हैं, वो प्लग हो सकते हैं, वो बंद हो सकते हैं, वो सुराख अगर बंद हो जाएगा तो डेफिनेटली फिर ऑटोमाइजिंग तो रुक जाएगी, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। अब हम देखते हैं ट्रेड ड्रायर्स पे, ये हमारी लास्ट टाइप है ड्रायर की। ट्रेड ड्रायर के हम जनरल इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट डिज़ाइन, ये हमारे यूसेज एग्जाम्पल्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे। ट्रेड ड्रायर, ट्रेड ड्रायर्स आर कॉमन फॉर्म ऑफ बैच ड्रायर्स दैट कैन बी यूज इनडायरेक्ट और डायरेक्ट हीट ट्रांसफर, दैट कैन यूज इनडायरेक्ट और डायरेक्ट हीट ट्रांसफर। अ टिपिकल बैच ड्रायर कंसिस्ट ऑफ एन इनक्लोज्ड इंसुलेटेड हाउसिंग इन विच ट्रेज कंटेनिंग सॉलिड्स आर प्लेस्ड ओवर शेल्व्स। ये देखिए, ये ऐसे इसमें ट्रेज होती हैं, हम उन ट्रेज के ऊपर मटेरियल को, बैट मटेरियल को फैला देते हैं, फिर हम अपने फीट को इन ट्रेज के जरिए अंदर डाल देते हैं इसमें डाल, और ये वाले गेट बंद कर देते हैं, फिर एक ख़ास टाइम तक हम उसकी हीटिंग करते हैं। तो डायरेक्ट हीट ट्रांसफ़र इज अचीव्ड बाय सर्कुलेटिंग अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ हॉट गैस बिटवीन द ट्रेज। इनडायरेक्ट हीट ट्रांसफ़र रिक्वायर्स द यूज ऑफ हीटेड शेल्फ्स। अच्छा, अब ये जो डायरेक्ट हीट में हम क्या कर रहे हैं, एयर को सर्कुलेट करा रहे हैं लार्ज अमाउंट को ऑफ एयर को ट्रेज के बीच में, ये आप अगली पिक्चर में देख सकते हैं, इस तरह से हम ये आप यहाँ से देख लें, ये हम एयर को यहाँ से सर्कुलेट करा रहे हैं, ये ट्रेज हैं, इनमें ऐसे सर्कुलेट करानी पड़ती है लार्ज अमाउंट ऑफ एयर आपको, ये वेट मटेरियल आपका आया यहाँ से, और ये देख रहे हैं आप, ये एयर सर्कुलेट हो रही है इसमें। अच्छा, ट्रेड ड्रायर्स कैन बी ऑपरेटेड अंडर वैक्यूम विद इनडायरेक्ट हीट ट्रांसफर। इट इन दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन द ट्रेज रेस्ट ऑन हॉलो मेटल प्लेट फिल्ड विद स्टीम और हॉट वाटर। The vapor from the solid are removed by an ejector or vacuum pump. अगर आपको याद हो हमने क्लासिफिकेशन की थी पंप की, जब हम क्लासिफिकेशन हो तो उसमें एक वैक्यूम पंप की बात कर रहे थे, इजेक्टर्स भी उनको हम कहते हैं क्योंकि ये बेसिकली वैक्यूम प्रोड्यूस करके हमारे वेपर्स को निकालते, तो ये वेपर ये यूज़ हो रहा होता है वेपर को निकालने के लिए ट्रेड ड्रायर्स में, इजेक्टर यूज़ होता है। इक्विपमेंट डिज़ाइन, ऑप्टिमम ऑपरेशन ऑफ अ ट्रेड ड्रायर डिपेंड्स ऑन मेंटेनिंग कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड यूनिफॉर्म एयर वेलोसिटी ओवर द ड्राइंग मटेरियल।
The trays are usually square or rectangular and are stacked in such a way as to allow sufficient airflow between them. यानी ऐसे हम उसको stack करते हैं उनको ऊपर नीचे रखते हैं कि उसमें से एयर आसानी से पास हो सके गुजर सके. फ्रेश एयर एंटर्स थ्रू द इनलेट एंड इज सर्कुलेटेड बाय अ फैन विच पासिस द एयर ओवर हीटर्स. द हीटेड एयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द स्टैक ऑफ ट्रेज बाय बैफल्स. अब ये बैफल जो होती हैं ये क्या करती हैं, एयर को के फ्लो को तोड़ती हैं, मतलब उसको टर्बुलेंट फ्लो बनाती हैं. टर्बुलेंट फ्लो हमें चाहिए होता है कि वो ताकि जिग जैग घूमें इधर उधर, तो वो ज़्यादा अच्छी फिर हीट वो फैलेगी, एयर जितनी फैलेगी उतनी ज़्यादा फिर मॉइस्चर को रिमूव कराएगी, ड्राई कराएगी मेटल. ड्राइंग द मटेरियल ऑन द ट्रेज मॉइस्ट एयर इज कॉन्टीन्यूसली वेंटेड थ्रू द एग्जॉस्ट. ये देखें ये एग्जॉस्ट है, यहाँ से ये वेंट होती रहेगी एयर. यूजेज एग्जाम्पल्स, स्ट्रे ड्रायर्स आर यूज फॉर मटेरियल्स विद लॉन्ग ड्राइंग साइकल्स बिटवीन 12 to 24 hours. यानी इतने इतने लंबे टाइम के लिए जिन मटेरियल्स को हम रखते हैं वहाँ उनके हम ट्रेड ड्रायर यूज़ करते हैं. दे आर ऑल्सो यूज व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ सेवरल डिफरेंट प्रोडक्ट्स रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट बैच आइडेंटिटी एंड थॉरो क्लीनिंग ऑफ द इक्विपमेंट बिटवीन बैचेस एज इन स्मॉल कलर पिगमेंट ड्राइंग प्लांट्स. उसमें हम क्या करते हैं, कलर में भी अगर आपने नीले कलर का मटेरियल को ड्राई किया, ड्राई स्टफ को ड्राई किया, तो फिर अगर आपने पीले कलर को करना है तो फिर आप पहले पूरी थॉरो क्लीनिंग करोगे तभी, नहीं तो कलर मिक्स हो जाएंगे आपस में. तो वहाँ पे हम ये यूज़ कर रहे होते हैं ड्रायर. तो द ट्रे ड्रायर शोन हियर कैन बी यूज इन प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग बेकरी प्रोडक्ट्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स, बर्ड सीड, पेट ट्रीट्स, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड पिगमेंट्स. एंड अच्छा, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, कैन प्रोसेस अ वैरायटी ऑफ मटेरियल्स. इसमें जैसे आपने अभी देखा है कि कितनी किस्मों के लिए इस्तेमाल हो सकता है ये बेकरी प्रोडक्ट्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स, बर्ड सीड, पेट ट्रीट्स यानी एनिमल फूड, और इसी तरह से आपके केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, काफ़ी वैरायटी के लिए ये यूज़ होता है. प्रोडक्ट्स के लिए मटेरियल्स को हैंडल कर सकते हैं, इट कैन प्रोसेस, इट कैन हैंडल वैरायटी ऑफ मटेरियल्स, तो इसलिए ये एक एडवांटेज है इसका. डिसएडवांटेज नंबर वन इज रिक्वायर्स एक्सटेंसिव मैनुअल लेबर. मैनुअल लेबर क्यों चाहिए कि जब आपको इसको खाली करना होगा, फिर दोबारा भरना होगा, भर के दोबारा से अंदर ट्रेज को डालना होगा, फिर उसकी थोरो क्लीनिंग करनी होगी, फिर इतना लंबा टाइम, तो इसमें हमें लेबर काफ़ी चाहिए होता है, एक्सटेंसिव लेबर चाहिए होता है. तो बंदे चाहिए जो इसको खाली करेंगे, फिर इसको साफ़ करेंगे, फिर इसको भरेंगे, तो ऑटोमेटिक नहीं है. इसीलिए ये बैच इसको हम बैच मोड में कर रहे होते हैं ऑपरेट, ये कॉन्टीन्यूस नहीं होता प्रोसेस, इसमें लेबर काफ़ी इन्वॉल्व रहता है, तो इसलिए ये एक डिसएडवांटेज है इसका. लो आउटपुट रेट है, यानी जारी बात है आप बैच में जब आप याद हो आपको बैच प्रोसेस में आउटपुट रेट आमतौर पे प्रोडक्ट का लो ही होता है, क्योंकि आपने एक ख़ास टाइम के बाद मटेरियल को निकालने काफ़ी लंबे टाइम के लिए रखा हुआ है, उसमें मज़ीद कोई एंटर नहीं हो रहा मटेरियल, तो प्रोडक्ट तो उतना ही निकलेगा जितना आपने रखा है, उतना प्रोडक्ट ही बन के निकलेगा ख़ास टाइम के बाद बैच जब कंप्लीट होगा. नॉन यूनिफॉर्म एयर कॉजिंग ओवरहीटिंग. अगर आपकी एयर की डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है तो इसके अंदर ये फिर यूनिफॉर्म हीटिंग नहीं होगा, तो ये फिर आपका प्रॉब्लम बनेगा, तो कहीं से ज़्यादा हो जाएगा ड्राई, कहीं मेटेरियल कम होगा ड्राई. और लो कैपेसिटी है, लो कैपेसिटी मीन्स के कम प्रोडक्ट को ही ये हमारी आउटपुट कम देते हैं, हमें कैपेसिटी इनकी लो है, छोटे ही होते हैं ये, ज़्यादा बहुत बड़े प्रोडक्ट को हैंडल नहीं कर सकते. सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर, थैंक यू वेरी मच. आप का अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मंडे को जो हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होता है आप नोट डाउन कर लें और उसमें आप मुझसे ये पूछ सकते हैं. तो थैंक यू वेरी मच. यहाँ पे मैं ये बात फिर मेंशन करना चाहूँगा, अगर आपको इस लेक्चर स्लाइड्स को डाउनलोड करना है इस वीडियो लेक्चर की, तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है. ऑडियो फाइल्स को डाउनलोड करने का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा.
अपना ख्याल रखिएगा जी. स्टे होम, सेव लाइव्स. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.